नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जौनपुर के मछली शहर पहुंचे, जहां पर उन्होंने 1538 करोड़ रुपए की लागत से 3 राष्ट्रीय राजमार्ग और कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फौजदार इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा समेत पूरे विपक्ष पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि वंशवाद और परिवारवाद करने वालों यूपी को बदहाल कर दिया था। वंश के नाम पर राजनीति करने वाले भारत को विकास नहीं दे सकते हैं। भारत को दुनिया के रूप में उभरना है, 2022 में नया उत्तर प्रदेश बनाना है। हम समस्या को समस्या नहीं बनने देना चाहते, हम समस्या के समाधान करना चाहते हैं। पूर्व की सरकारों ने परिवारवाद और वंशवाद के आधार पर नौजवानों को जाति के नाम पर आपस में लड़ाने का काम किया, उन्हें नौकरी से दूर रखा। भारत के इस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अच्छी सड़कें, हाईवे का निर्माण, रेलवे का हो, वाटरवे हो, एयरपोर्ट हो, लॉजिस्टिक हब हो, इन सब की अपनी बड़ी भूमिका होती है। और इस बड़ी भूमिका के लिए उस प्रकार का एक बड़ा विजन चाहिए। छोटी सोच के लोग बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। पिछली सरकारों की सोच संकुचित थी, छोटी थी, इसलिए परिवार तक सीमित थे। और आज प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए भारत की 135 करोड़ की आबादी ही परिवार है। और इसलिए भारत सरकार के स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट आज लागू किए जा रहे हैं, उसका परिणाम है कि भारत की दुनिया के अंदर एक नया सम्मान बढ़ा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर की जब बात होती है तो फिर हमारे सामने एक नाम उभर करके आता है, और वह नाम आता है भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री के रूप में माननीय श्री नितिन गडकरी जी का। उन्होंने विकास के हाईवे को जो किया वह अपने आप में अभूतपूर्व है, अभिनंदनीय है। भगवान राम त्रेता युग में हुए थे, लेकिन राम जानकी मार्ग के निर्माण की बात किसी ने नहीं की। जिस मार्ग से भगवान राम माता जानकी को लेकर अयोध्या थे, उस मार्ग के निर्माण की बात किसी ने नहीं की। उस मार्ग को विकास की नई सोच देने का कार्य भी किसी ने किया तो माननीय नितिन गडकरी जी ने किया। कार्य करना युद्ध स्तर पर कार्य करना है। और यही नहीं, राम वन कवर मार्ग, भगवान राम अगर बनने नहीं जाते तो भाइयों बहनों राम राज्य की परिकल्पना कैसे होती है, इसके बारे में आने वाली पीढ़ी नहीं जान पाती। राम वनगमन मार्ग पर भी आज कार्य प्रारंभ हुआ है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में संगठन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद मोर्चे पर उतरने जा रहे हैं। वो 26 दिसंबर को देहरादून पहुंचेंगे। पूरी तरह से संगठनात्मक दौरे में नड्डा एक एक सीट पर पार्टी, विधायक और टिकट की दौड़ में शामिल दावेदारों के दमखम की जमीनी हकीकत का पता लगा सकते हैं। ये फीडबैक उन्हें पिछले करीब 3 महीने से विधानसभा क्षेत्रों में डेरा जमाए संयोजक, प्रभारी और विस्तारक के साथ जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी से मिलेगा। हर विधानसभा में करीब 6 समर्पित सदस्यों की इस टीम को नड्डा की बैठक में शामिल होने को कह दिया गया है।
पौड़ी गढ़वाल के चौबट्टा खाल विधानसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य को 18,000 करोड़ रुपए की सहायता दी है। सतपुली स्थित कन्या विद्यालय परिसर में आयोजित कोरोना वॉरियर सम्मान समारोह के मौके पर उपस्थित स्थानीय जनता को संबोधित करते हुए प्रदेश के पर्यटन, लोक निर्माण, सिंचाई और संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने अपने संबोधन में कहा कि ऑल वेदर रोड बनकर तैयार हो रही है। 258 करोड़ रुपए का पैकेज टिहरी स्थापितों को दिया गया है। उत्तर प्रदेश से हमें लगभग 400 करोड़ का लाभ मिला है। जो भी परिसंपत्तियों थी वो हमें प्राप्त हुई हैं। ये डबल इंजन की सरकार की वजह से ही संभव हो पाया है। महिलाएं और पुरुष मिलकर के माँ के दर्शन के लिए जा रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि माँ रलस्वान दीवा का स्थान प्रसिद्धि को प्राप्त करे और यहाँ भी और ट्रैकर्स आएं और यहाँ पर कैंपिंग की फैसिलिटी भी उपलब्ध हो, जिससे कि हमारा जो ये रिमोट एरिया है यहाँ पर भी पर्यटक आएं और यहाँ की जो आर्थिक जो है उन्नति हो। हमने गाँव वालों से भी कहा है कि आप होम स्टे का निर्माण करें। कोरोना वायरस से जंग के बीच देश के साथ साथ राजधानी दिल्ली में भी ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में रोजाना ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार ओमिक्रॉन के खतरे से निपटने के लिए सतर्क और तैयार है। यही नहीं, दिल्ली सीएम ने इस बीच एक बड़ा फैसला भी लिया। उन्होंने आदेश दिया कि दिल्ली में हर कोरोना मरीज के सैंपल जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेजे जाएंगे। यही नहीं, इसके साथ ही मुख्यमंत्री केजरीवाल ने केंद्र सरकार से बूस्टर डोज को मंजूरी देने की भी मांग की है। एक मेरी सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आजकल हम देख रहे हैं मार्केट में जाते हैं, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, मास्क पहनना हमने बंद कर दिया। अगर हमारी सुरक्षा हमारे हाथ में है, सबसे इफेक्टिव मास्क है, तो मास्क पहनना शुरू कर दीजिए, दोबारा मास्क पहनना शुरू कर दीजिए। ये जो बार बार सरकार बोलती है, मैं बोलता हूँ आपको, ये मैं अपने लिए नहीं बोल रहा, ये आप ही की भलाई के लिए बोल रहा हूँ, आप ही के स्वास्थ्य के लिए बोल रहा हूँ। बीमार पड़ेंगे, कोरोना होगा, क्या फ़ायदा है? तो फिर से आपसे सबसे निवेदन है सब लोगों से कि मास्क दोबारा पहनना शुरू कीजिए। केंद्र सरकार से मेरा निवेदन है कि अभी दिल्ली में हमने लगभग 99% लोगों को फर्स्ट डोज दे दी है, 70% लोगों को सेकेंड डोज दे दी है। हम चाहते हैं कि अब बूस्टर डोज अलाउ की जाए, इस बारे में केंद्र सरकार परमिशन देता है। तो मेरी केंद्र सरकार से निवेदन है कि जो जो लोग दो डोज ले चुके हैं उनको बूस्टर डोज देने की इजाज़त दी जाए, ताकि लोगों के अंदर लोग और सेफ हो सकें। दिल्ली में अब हमारे पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर बूस्टर डोज केंद्र सरकार अलाउ करेगी तो सबसे पहले हम अपने हेल्थ वर्कर्स को दे देंगे और जनता को बूस्टर डोज दे सकते हैं। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सभी पार्टियों में टिकट आवंटन को लेकर खलबली मच गई है। इसी कड़ी में बीएसपी पार्टी टिकट आवंटन को लेकर लगातार सुर्खियों में है। आज विधानसभा ज्वालापुर में स्थानीय प्रत्याशी को टिकट न देकर बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष को ही विधानसभा ज्वालापुर का प्रत्याशी मान रहे ज्वालापुर विधानसभा के कार्यकर्ताओं में खासा आक्रोश दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष से विधानसभा के लिए कमजोर प्रत्याशी साबित होंगे। दो विधानसभाओं पर जो जिनसे जनता का मनोबल गिर रहा है, क्षेत्रीय नेता मदन लाल जी बहुत मजबूत हैं, पूरे जिले और प्रदेश भर में कार्य कर रहे हैं। अगर उनका शोषण होता है तो ये उन अकेले नेता का शोषण नहीं होगा, ये बूथ पर काम कर रहे हैं, सेक्टर पर काम कर रहे हैं और जिले पर विधानसभाओं में काम कर रहे हैं, उन तभी मिशनरी कार्यकर्ताओं का शोषण होगा जो बहुजन समाज पार्टी को दिन रात मजबूत करने का काम करते हैं। तो प्रदेश नेतृत्व इस फैसले को जल्दी से जल्दी बदले, ज्वालापुर विधानसभा को लेकर जो लिया है, नहीं तो उन हजारों कार्यकर्ताओं का मनोबल गिर जाएगा और बहुजन समाज पार्टी को नुकसान 2022 में उठाना पड़ सकता है। लालकुआ के वरिष्ठ बीजेपी नेताओं, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष पवन चौहान वर्तमान में बीजेपी से दावेदारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि साल 2017 में भी उन्होंने दावेदारी की थी, लेकिन आलाकमान के कहने पर विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा था। वहीं पवन चौहान ने जनसंपर्क किया जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग जुटे। वहीं पवन चौहान ने जनता को सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई।
दिनेशपुर में उत्तराखंड कबड्डी एसोसिएशन की ओर से कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड राज्य की टीम का चयन किया गया। चयनित टीम 15 जनवरी से महाराष्ट्र में होने वाली राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेगी। दिनेशपुर के खुदी राम बोस स्टेडियम में उत्तराखंड के 11 जिले की चयनित खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया और चयनकर्ता टीम ने 20-20 खिलाड़ी का चयन उत्तराखंड की टीम के लिए किया है और ये खिलाड़ी प्रशिक्षण कैंप में भाग लेंगे, जहां से मुख्य टीम का चयन राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए किया जाएगा। ये हमारा सीनियर नेशनल के लिए चयन किया गया है हमें आज, और ये नेशनल में हम अपने उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करेंगे। हाँ, मैंने 4 सीनियर नेशनल खेले हैं कबड्डी से। ट्रायल दी हूँ अपना सीनियर नेशनल के, और हमें अच्छा लगेगा कि हम अपने उत्तराखंड को दुनिया में दिखाएं कि उत्तराखंड भी किसी से कम नहीं है। जैसे लोग रहते, हम चाहते हैं हमारे उत्तराखंड का भी नाम। चमोली में क्रिसमस और नए साल के जश्न से पहले ही पर्यटन नगरी जोशीमठ और हिम क्रीड़ा स्थली ओली में इस बार पर्यटकों की भीड़ बढ़ने लगी है, जिसके चलते इस बार यहां शीतकालीन पर्यटन सीजन बढ़िया रहने की उम्मीद जगने लगी है। इन दिनों ओली सहित गौरसो, बुग्याल और खुलारा कवारसी पास पर्यटन स्थल पर पथारोहियों और सैलानियों का तांता लगा हुआ है। इन दिनों पर्यटक ओली टॉप और गौरसो में फन स्कीइंग का मजा भी ले रहे हैं। एशिया की बेहतरीन रज्जू मार्ग में एक जोशीमठ ओली रोप वे सफर का लुफ्त उठाने के लिए जोशीमठ में पर्यटकों की लंबी कतार लग रही है। तो तस्वीरें आप भी देख सकते हैं चमोली में किस तरह से पर्यटक भारी संख्या में पहुंच रहे हैं, साथ ही बर्फबारी का मजा लेते हुए पर्यटक यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लालकुआ वासियों की लंबी पुरानी मांग को आज क्षेत्रीय विधायक नवीन दुमका ने पूरा करते हुए लालकुआ के 10 लोगों को मालिकाना हक के पट्टे सौंपे हैं, जिसके बाद से अन्य लालकुआ वासियों को मालिकाना हक मिलने के लिए रास्ता खुल गया है। वहीं नगरवासियों ने क्षेत्रीय विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार को धन्यवाद दिया। आपको बता दें कि तहसील परिसर में आयोजित बैठक में पहुंचे क्षेत्रीय विधायक नवीन दुमका का स्थानीय लोगों ने फूल माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर भव्य स्वागत किया। इस दौरान जिलाधिकारी की मौजूदगी में क्षेत्रीय विधायक नवीन दुमका ने लालकुआ के 10 लोगों को मालिकाना हक के पट्टे सौंपे और उन्हें बधाई भी दी। गोरखपुर के रामपुर कारखाना स्थित ग्राम जुमरी निवासी राजेंद्र दुबे ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र सौंपकर कोर्ट के आदेश के अनुपालन की मांग की। वहीं मुख्यमंत्री को सौंपे पत्र में राजेंद्र दुबे ने कहा कि देवरिया जनपद के रामपुर कारखाना क्षेत्र अंतर्गत डुमरी गांव में लगभग 100 सालों से प्रचलित सार्वजनिक रास्ता है, जिस पर वहीं के वशिष्ठ दुबे और अन्य की ओर से पिलर का निर्माण कराकर कब्जा कर लिया गया है, जिसके विरोध में उप जिला मजिस्ट्रेट देवरिया के पास शिकायत दर्ज कराई गई थी। वहीं इस मामले को सुलझाने के लिए उप जिला मजिस्ट्रेट ने 27 नवंबर को तहसील सदर और थाना रामपुर कारखाना को आदेशित किया था कि दोनों लोग समन्वय स्थापित कर अतिक्रमण पर सार्वजनिक रास्तों को मुक्त कराएं। वहीं 11 दिसंबर को आदेश के अनुपालन में जब राजस्व और पुलिस विभाग और पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू की, तभी उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे और मौखिक आदेश पर कार्रवाई रोक दी गई। वहीं इस संबंध में जब मौके पर अतिक्रमण हटाने गई राजस्व टीम का नेतृत्व कर रहे कानूनगो दुर्गेश श्रीवास्तव से पूछा गया तो उनका अजीबोगरीब बयान सामने आया। मैं आज जो है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से हमारे डुमरी गांव देवरिया में रामपुर कारखाना थाना अंतर्गत डुमरी गांव है, जहां पे एक सार्वजनिक रास्ता जो है वो गांव के कुछ लोग कब्जा कर रहे थे, उसको मेरे पिताजी ने उस सार्वजनिक रास्ते के बाबत एक जो है वाद दाखिल किया था उप जिला मजिस्ट्रेट देवरिया के यहाँ, जिसमें 27 नवम्बर को फैसला आया था कि मुकामी पुलिस रामपुर कारखाना और राजस्व विभाग तहसीलदार सदर के देखरेख में समन्वय स्थापित करते हुए एक टीम गठित करके उस अतिक्रमण को मुक्त कराया जाए। 11 तारीख को जो है 11 नवंबर जो है राजस्व विभाग की टीम गई भी थी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज नई टिहरी के दौरे पर रहे। सीएम
बैराड़ी स्टेडियम पहुंचे। इसके बाद उन्होंने नगर पालिका सभागार में आयोजित कार्यक्रम में जिले के पंचायत प्रतिनिधियों से संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जनता के सुझाव पर सरकार आगे बढ़ रही है, राजनीति में लोक नीति के तहत काम किया जा रहा है। कहा कि जितनी घोषणाएं हुई हैं उनके शासन आदेश जारी हो चुके हैं, इसके बाद सीएम मसूरी के लिए रवाना होंगे। आपको बता दें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज मसूरी में कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। वो 18.20 करोड़ की लागत से बने टाउन हॉल और मल्टी लेवल पार्किंग का लोकार्पण भी करेंगे। पौड़ी में कई विभागों में अनुसूचित जाति के लंबित प्रकरणों के संबंध में उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार की तरफ से सभी विभागों में अनुसूचित जाति के लंबित प्रकरणों के संबंध में मौजूद अधिकारियों से सूचना ली गई। वहीं इस दौरान उनकी तरफ से सभी विभागों को लंबित प्रकरण का निदान करते हुए अनुसूचित जाति के आखिरी व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुँचाने के निर्देश भी दिए गए हैं। हम समीक्षा बैठक प्रत्येक जिले वाई कर रहे हैं और जो अनुसूचित जाति के लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका सही से अनुपालन करना और जहां भी धरातल पर गरीब आदमी तक उस योजना को लाभ पहुंचे उसके लिए बैठक की गई थी। और जहाँ पर हमें कमियाँ लगी हैं, जो कमियाँ लगी हैं, क्योंकि सरकार बहुत सारी अनुसूचित जाति के लिए चला रही है। असम में जंगली हाथी कई बार जंगल से निकलकर इंसानों की आबादी वाले जगह पर आ जाते हैं और आम लोगों पर हमला कर देते हैं। ऐसा ही एक मामला एक बार फिर असम में सामने आया है जब हाथी ने एक शख्स पर हमला कर दिया। दरअसल हाथी को पीछे आता देख शख्स दौड़ दौड़ कर खुद की जान बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन हाथी पकड़ लेता है और उस पर हमला कर देता है। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। आपको बता दें असम के दुबरी जिले के तामारहट इलाके के एक गांव में 18 दिसंबर को एक जंगली हाथी ने 30 साल के एक शख्स का पीछा किया और उस पर हमला कर दिया। आदमी गंभीर रूप से घायल हो गया। एक वन अधिकारी ने बताया कि आदमी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और साथ ही हाथी को जंगल क्षेत्र की ओर खदेड़ दिया। इससे पहले छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में एक गाँव में पहुंचे जंगली हाथियों के हमले से एक महिला की मौत हो गई थी। हाथियों ने इस दौरान मकानों को भी नुकसान पहुंचाया था। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जिले के कटघोरा वन मंडल के अंतर्गत तुम बहरा गांव में जंगली हाथी के हमले में एक बुजुर्ग महिला की जान चली गई थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आने वाले 25 दिसंबर को प्रदेश के 1,00,000 युवाओं को मोबाइल और टैबलेट वितरित करेंगे। इस बात की जानकारी उत्तर प्रदेश के सीएम कार्यालय के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से दी गई है। इसको लेकर राजधानी लखनऊ के अटल बिहारी कान्हा स्टेडियम में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें कि सीएम योगी ने राज्य के 1 करोड़ युवाओं को मोबाइल और टैबलेट देने की घोषणा की है और अब इसके पहले चरण में आने वाले 25 दिसंबर को 60,000 मोबाइल और 40,000 टैबलेट युवाओं को दिए जाएंगे। आपको बता दें कि पहले चरण में एमए, बीए, बीएससी, बीटेक, एमबीबीएस, एमडी, एमटेक, पीएचडी और अन्य पाठ्यक्रमों के आखिरी साल में पढ़ाई कर रहे छात्रों को प्राथमिकता मिलेगी। जानकारी के अनुसार डीजी शक्ति पोर्टल पर 38 लाख से ज्यादा युवाओं का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और अभी भी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है। आपको बता दें कि सरकार ने इस योजना के लिए आयु, लिंग, जाति जैसी कोई भी सीमा नहीं रखी है। ये योजना उन सभी छात्रों को समान रूप से मिलेगी जो साल 2021-22 में पंजीकृत हुए हैं। इसके साथ ही उन छात्रों को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी भी होना अनिवार्य है। आपको बता दें कि सरकार ने पहले चरण में 2,035 करोड़ रुपए के ऑर्डर जारी किए हैं। इसमें 10,740 रुपए की दर से 10.5 लाख मोबाइल और 12,606 रुपए की कीमत वाले 7,20,000 टैबलेट शामिल हैं।
पंजाब के अमृतसर के सवर्ण मंदिर और कपूरथला के गुरुद्वारे में कथित बेअदबी को लेकर दो लोगों की हत्या के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार को अलर्ट जारी किया है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार ने पंजाब के तमाम धार्मिक स्थलों, डेरों, मंदिरों, गुरुद्वारों और अन्य सभी धर्मों के धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा बढ़ाने का निर्देश दिया है। गृह मंत्रालय ने अलर्ट किया है कि पंजाब में धार्मिक भावनाओं को भड़काने की नापाक योजना देश विरोधी तत्वों की तरफ से की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक पंजाब में दंगे भड़काने और धार्मिक सद्भाव बिगाड़ने के लिए किसी भी धार्मिक स्थल पर बेअदबी या अन्य घटना करके माहौल बिगाड़ने की साजिश हो सकती है। इसी वजह से केंद्र सरकार की ओर से धार्मिक स्थलों पर पंजाब पुलिस को सुरक्षा बढ़ाने और नजर रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। इस इनपुट के बाद पंजाब सरकार ने सभी धार्मिक स्थलों की सुरक्षा चाक चौबंद कर दी है। मंदिरों से लेकर गुरुद्वारे में CCTV कैमरों को लगाने और गाँव स्तर पर सरपंचों तक को आगाह करना शुरू कर दिया है। सरकार ने निर्देश दिया है कि अगर कोई शरारती तत्व गांव या धार्मिक स्थलों के आसपास दिखाई देता है तो उसकी तत्काल सूचना पुलिस को दी जाए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।